हे गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं इल्यूजन टेक। स्वागत है आपका फिर से एक नई इंटरेस्टेड ब्रांड न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कुछ ऐसे रेडमी के हिडन फीचर जो आपको बहुत पसंद आएंगे। इन फीचर को अपने फोन में इनेबल करने के लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी होगी। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो या कोई सजेशन देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो हम अब अपने इंट्रो के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। इस ट्रिक में हम Xiaomi के हिडन कैमरा फीचर को इनेबल करेंगे। इस फीचर को इनेबल करने के लिए हम फोन के फाइल मैनेजर को ओपन करके इंटरनल स्टोरेज में DCIM फोल्डर में जाकर कैमरा फोल्डर को ओपन करेंगे। कैमरा फोल्डर में हम lab_options_visual नाम से फोल्डर क्रिएट करेंगे। अब कैमरा ऐप को क्लोज करके उस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे। ऐप इन्फो में जाकर कैमरा ऐप को फोर्स स्टॉप कर देंगे। अब कैमरा ऐप को ओपन करके हम कैमरा की सेटिंग में न्यू एडिशनल सेटिंग को देख सकते हैं। बेसिकली हम अपने फोन में फोटोज को एज अ वॉलपेपर के रूप में यूज करते हैं, लेकिन हम रेडमी डिवाइस में वीडियो को भी एज अ वॉलपेपर यूज कर सकते हैं। इस डायनेमिक वॉलपेपर को अपने फोन में अप्लाई करने के लिए अपनी गैलरी में से वीडियो को सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप राइट साइड में 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे और सेट वॉलपेपर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब हम वीडियो को एज अ वॉलपेपर होम स्क्रीन या लॉक स्क्रीन दोनों या किसी एक पर अप्लाई कर सकते हैं। स्टिक का यूज करके हम अपने फोन में क्विक बॉल फीचर को इनेबल कर सकते हैं। इस फीचर को इनेबल करने के लिए हम अपने फोन की सेटिंग में जाएंगे और नीचे स्क्रॉल करके एडवांस सेटिंग में क्विक बॉल को इनेबल करेंगे। क्विक बॉल को हम फुल्ली कस्टमाइज भी कर सकते हैं और हम अपने डेली यूज के ऐप या फेवरेट ऐप का शॉर्टकट भी बना सकते हैं। इस ट्रिक का यूज करके हम अपने फोन में फ्लैश बैन रिंगिंग फीचर को इनेबल कर सकते हैं। इस फीचर में फोन पर कॉल आने पर फोन की फ्लैश ब्लिंक करती है, जिससे हमारा फोन थोड़ा सा अलग अट्रैक्टिव लुक देता है। इस फीचर को इनेबल करने के लिए हम अपने फोन की सेटिंग में जाकर एडिशनल सेटिंग पर टैप करेंगे। अगेन इनकमिंग सेटिंग पर टैप करेंगे एंड वंस अगेन फ्लैश बैन रिंगिंग सेटिंग को टैप करके इस फीचर को इनेबल करेंगे। इन केस अगर आप ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग को ऑन करना चाहते हैं, कॉल रिकॉर्डिंग में जाकर रिकॉर्ड कॉल ऑटोमेटिक को इनेबल कर सकते हैं। इस ट्रिक का यूज करके हम टेक्स्ट मैसेज लाइक इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप मैसेंजर एंड फोन के डिफॉल्ट मैसेज ऐप के कंटेंट को हाइड कर सकते हैं। इस फीचर का यूज करने के बाद हमारे टेक्स्ट मैसेज के कंटेंट को कोई भी नहीं देख सकता। इस फीचर को इनेबल करने के लिए फोन की सेटिंग में जाकर ऐप लॉक पर टैप करेंगे। अगेन ऐप लॉक के राइट साइड में ऐप लॉक की सेटिंग पर टैप करके हाइड नोटिफिकेशन कंटेंट पर टैप करेंगे और हाइड कंटेंट को इनेबल करेंगे। कोई भी टेक्स्ट मैसेज के कंटेंट को लॉक स्क्रीन पर भी नहीं देख सकता। इस ट्रिक का यूज करके हम अपने फोन के डेटा को हाइड कर सकते हैं। इस ट्रिक का यूज करने के लिए हम अपने फोन के फाइल मैनेजर में जाएंगे और जिस डेटा को हाइड करना हो उस पर लॉन्ग प्रेस करके उस फाइल के नाम के आगे डॉट लगाकर उसको सेव कर देंगे। इस प्रकार हम अपने डेटा को सक्सेसफुली हाइड कर सकते हैं। अगर हमको उस डेटा को अनहाइड करना है तो हम सिंपली जो हमने डॉट लगाया है उसको हटा के सेव कर देंगे। इस प्रकार हम अपने डेटा को अनहाइड कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल वीडियो अपने YouTube चैनल पर लाता रहता हूँ। फिर मिलते हैं एक नई ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।